अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, मैं बल्ली आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नोकिया 6.1 प्लस के बारे में, जो भी स्पेसिफिकेशन है जो आज लॉन्च हो गया है, मतलब लॉन्च हो गया आज का मतलब मंगलवार है आज, ठीक है 21 तारीख 8 महीना 2018 को लॉन्च हो गया, ठीक है इसके स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए आपको। चलिए मैं बता देता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है पास में वो दबा लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और घंटा नहीं दबा लेते तो मेरे नोटिफिकेशन आपके पास घंटा ही नहीं पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। तो हम इसके बात करें, अगर सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं कैमरा की, तो कैमरा इसका रियल कैमरा है जो डुअल कैमरा है, जिसको आपको फ्रंट में डबल कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और इसका फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों, ठीक है रियर में आपको मिल जाता है डुअल कैमरा मिल जाता है, मतलब बैक की साइड में, और फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है, ये दोनों मेगापिक्सल के आते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टोरेज की बात करें 64 GB स्टोरेज है, और इसमें रैम भी 4 GB मिल जाती है आपको। अब हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसकी मिल जाती है 5.8 इंच की, जो कि फुल HD डिस्प्ले है, ठीक है, और एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है आपको इसमें, ठीक है। तो नोकिया ने अब की बार एंड्रॉयड वर्जन के साथ आपको ये फ़ोन दे दिया है नोकिया 6.1 प्लस। और भैया अगर इसकी बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसका प्रोसेसर मिलता है आपको ओक्टा कोर, ठीक है ओक्टा कोर और क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेस मिलता है, और माइक्रो इसमें आप मतलब कार्ड वगैरह भी अलग से इनेबल कर सकते हो, माइक्रो SD आपको इसमें इनेबल मिलेगा जिसमें कार्ड वगैरह डाल सकते हो। इसकी बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी, और चार्जर की बात करें तो 18 वोल्टेज का चार्जर सपोर्ट करता है, और 30 मिनट में आपको ये लगभग इसका दवा है कि 50% आपको चार्ज करके दे देगा, ठीक है। और OS एंड्रॉयड 8.1 के साथ ये आपको मिल जाता है। तो भैया ये तो हो गई इसके स्पेसिफिकेशन की बात, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लास्ट में, मतलब इसकी जो आपको इसका जुर्माना है वो क्या पड़ने वाला है। इसका जुर्माना 15,999 रुपये, मतलब भैया बेवकूफ़ बनाने की बात है, 16,000 रुपये तक इसको पड़ जाता है, ठीक है। और इसकी सेल आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट और नोकिया की वेबसाइट पर, ठीक है। प्री ऑर्डर आप है नोकिया की वेबसाइट पर जाके अभी भी बुक कर सकते हो सबसे पहले जाके। तो दोस्तों इसके ये थे स्पेसिफिकेशन, अब मैं आपको मेरा रिव्यू बताऊं तो भैया मेरे रिव्यू से आपको कुछ नहीं बनने वाला है, आपकी मर्जी हो तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हो, आपकी नहीं मर्जी तो आप इसको फ़ोन को मना भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना, ओके। मेरा काम था आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताना, इसके बारे में बताना, मेरा ये रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। मैं तो ये दोस्तों नहीं खरीदने वाला, आपकी मर्जी, आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो, ओके चलता हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, माता आपका वीडियो थोड़ा लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ओके चलता हूँ, गुड बाय।